Hello guys, this is me Hazrat Bilal from Ahmedabad University of Science and Technology. दाऊद आल्सो अ बीएस स्टूडेंट फिजिक्स फ्रॉम अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो गाइस आज हमने बनाया हुआ है एक वायरलेस पावर ट्रांसमीटर जो कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है फैराडेस लॉ के। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। यानी आप इसको कह सकते हो कि पावर लेस वायरलेस पावर ट्रांसमीटर भी कह सकते हो। इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने यूज़ की है कि ये कुछ हमारे पास वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर हमने यूज़ की है, एलईडी बल्ब हमने यूज़ किया हुआ है, एक बैटरी यूज़ किया हुआ है। बस यही इसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। अब इसको ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है इसको ज़रा हम देखते हैं। हमें पता है कि जो फैराडेज़ लॉ है उसमें उसकी स्टेटमेंट है कि अगर हम प्राइमरी कॉइल के अंदर EMF को इंड्यूस सेकेंडरी कॉइल के अंदर EMF को इंड्यूस कराना चाहें तो हमने अगर प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट है उसको अगर हम चेंज करेंगे तो उसकी वजह से हमारे पास सेकेंडरी कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस होगा। ये उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। तो हमारे पास ये है प्राइमरी कॉइल जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के साथ। ये बैटरी है, 9 वोल्ट बैटरी हमने यूज़ की है। प्राइमरी कॉइल के अंदर ये हमारे पास क्योंकि DC सोर्स है, हमें करंट को चेंज करना है। AC करंट के लिए हमें चाहिए था कि हम AC सोर्स यूज़ करें, लेकिन हमने DC से सिंपल सोर्स यूज़ किया है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट बनाया हुआ है। इस सर्किट के अंदर हमने 3 चीज़ें यूज़ की हैं। एक हमारे पास ट्रांजिस्टर है, एक हमारे पास रेजिस्टर है और एक हमारे पास ये बैटरी सोर्स है। और इस सर्किट का काम ये है कि ये DC सोर्स के जो करंट है उसको अल्टरनेटिंग करंट के अंदर चेंज करना। और जैसे ही हम यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं तो इस प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट है वो वेरी हो जाती है। और जैसे ही करंट वेरी हो जाती है तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स निकलती हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये पास वाली सेकेंडरी कॉइल, ये दोनों सेपरेट है, अलग अलग है, कनेक्टेड नहीं है, ये सेकेंडरी कॉइल के अंदर से क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। जैसे सेकेंडरी कॉइल के अंदर से ये फील्ड पास हो जाएंगी तो इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर आपके पास EMF जो होगा वो इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो फैराडे लॉ के मुताबिक अगर फ्लक्स चेंज हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा। और वो अगर आपके पास जो कॉइल है वो क्लोज लूप है तो उस EMF की वजह से करंट इंड्यूस हो जाएगी। और जैसे ही करंट इंड्यूस हो जाएगी तो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है फैराडेज लॉ का। चलिए देखते हैं कि यहाँ हमने ये कॉइल वगैरह बनाने हैं। ये बाकी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है कॉइल के टर्न्स और एरिया वगैरह वगैरह हमने फैराडेज़ लॉ के अंदर पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैं अगर इसको कनेक्ट कर देता हूँ तो लेट्स सी कि ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो ये वर्क कर रहा है। ये LED बल्ब है जो सेकेंडरी कॉइल के साथ कनेक्टेड है, प्राइमरी कॉइल से डिसकनेक्टेड है, लेकिन इस प्राइमरी कॉइल के अंदर से करंट चेंज हो जाएगी तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगी। तो ये था वेरिफिकेशन ऑफ फैराडेज़ लॉ एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच।